के वीडियो में मैं आपको राव फाउंडेशन की डिटेल बताने वाला हूँ कि राव फाउंडेशन होता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ये आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है कॉलम फुटिंग यहाँ पे भरा जा रहा है, ये आप देख लीजिए। ये पूरा जो है राव फाउंडेशन है, जो पूरा एक कम्बाइंड फुटिंग जो हम बोलते हैं राव फुटिंग वो है। देखिए कितनी उसकी थिकनेस है, करीबन क्योंकि ये जो थिकनेस है दोस्तों करीबन 900 का ये राव फाउंडेशन है। आप देखिए नीचे जो है जो डेवलपमेंट लेंथ है वो प्रोवाइड की गई है। ऊपर से भी आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है ये राव को यहाँ पे बनाया गया है। ओके, और ये पूरा जो है राव फाउंडेशन अभी स्टील जा है वो चल रहा है। ओके, राफ्ट के लिए जो स्पेस चेयर है दोस्तों, ये चेयर है, आप देख सकते हैं कि चेयर में दोस्तों अपोजिट साइड पे जो है मतलब सिटिंग उसकी बनाई जाती है। ये देखिए, ये अपोजिट साइड पे उसका जो सिटिंग है वो बनाया गया है। ओके, तो ये राफ्ट फाउंडेशन है। ओके, देखिए दोस्तों, ये पूरा राफ्ट फाउंडेशन यहाँ पे बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा राफ्ट फाउंडेशन है। ओके, ये आप देख सकते हैं राफ्ट फाउंडेशन के अंदर पूरा का पूरा जो स्लैब है दोस्तों उसके अंदर स्टील होता है। 900 का थिकनेस का ये स्लैब है। तो ये राफ्ट फाउंडेशन का कॉलम पे मैं खड़ा हूँ, देखिए यहाँ पे कितना हैवी स्टील जो है दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है। ओके, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पूरा एक अलग से कम्बाइंड फुटिंग वहाँ पे बनाया गया है, राइट दोस्तों, स्टेप फुटिंग आप उसे बोल सकते हो। ये पूरा सेंटर राफ्ट है वो थोड़ा अलग है, और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एक आइसोलेटेड फुटिंग है, उसकी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए आप, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है यहाँ पे। ये पूरा ये आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग का स्टील मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए प्रैक्टिकली आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग जो है दोस्तों कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते है, राइट दोस्तों। तो ये जो है आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है यहाँ से, ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कॉलम के अंदर या फुटिंग के अंदर स्टार्टर भरा जाता है, तो ये वो स्टार्टर है। ओके, देखिए यहाँ पे भी जो है ये कम्बाइंड फुटिंग है, इसके अंदर स्टार्टर जो है दोस्तों भरा गया है। देखिए ये कम्बाइंड फुटिंग में तीन कॉलम यहाँ पे है जिसके अंदर जो कम्बाइंड जो है किया गया है, राइट दोस्तों। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये साइट विजिट में आपको करा रहा हूँ पूरी एक्चुअल में जो साइट है वो कैसी होती है। ओके, ये पूरा स्टील है, देखिए कंबाइंड फुटिंग में करीबन 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम जो है यहाँ पे जो है कंबाइंड फुटिंग में लिया गया है, राइट। उस साइड भी देख सकते हो आइसोलेटेड जो फुटिंग है दोस्तों, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी ये जो बीम्स द्वारा जो है वो ज्वाइन किया गया है। ओके, ये देखिए कितना हैवी रेनफोर्समेंट यहाँ पे किया गया है जो स्टार्टर के साथ। ओके दोस्तों, ये जो है स्टार्टर का फ्रेमवर्क है जो अभी ये लगाएंगे। देखिए इस तरह से स्टार्टर तैयार होता है, और उसके बाद वो जो है अभी ये स्टार्टर यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये स्टार्टर अभी यहाँ पे फिक्स करेंगे,